अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤੇ ਲੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ सारे वर्गों को इकट्ठे लैके साहब प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सरकार चलाईया सारे धर्मों का सत्कार किया जो किसी भी धर्म की कोई भी शुभ दिहाड़ा आता साहब प्रकाश सिंह जी बादल आप उत्थे जांदे क्योंकि पंजाबी बा नेचर आप अमन शांति चाहते हैं भाईचारे किसान चाहते हैं ताइयों पंजाब तरक्की हो सकती है किसानी पंजाब दी जान है। मैं पार्लीमेंट भी कहा सी जे हिंद तमिलनाडु दा एम पी बैठे है नागालैंड तो एम पी बैठे है केरला तो एम पी बैठे है महाराष्ट्र तो एम पी बैठे है जिहड़ी अपने घर जाके रोटी खांदे है चौल खांदे है वो सारे पंजाब दे गरीब किसान अपनी मेहनत करके पैदा करके उन्हां नूं उगाउंदे है। पिछले दिनां सेंटर दी सरकार ने तीन खेती ऑर्डिनेंस लियांदे जिन्हां दा सीधा असर तकरीबन भी मैं पंजाब दी गल करदा देश दे सारे वड्डे सारयां दे होणा है मैं पंजाब दा मैं दसना चाहुणा तकरीबन सीधा असर 20 लाख किसानां ते घट तों घट 30 तों 50 हज़ार आढ़ती भाईचारे ते है सीधा असर तकरीबन 15-20 लाख खेत मजदूरां ते है ते जिहड़े मंडी दे जिहड़े गरीब काम करदे है लेबर करदे उहनां ते है कल्या नहीं जिहड़ियां आम व्यापारी है शहर च जे किसान मेहनत करदा है जे किसान दी चंगी फसल आउंदी है शहरां च खुशहाली आउंदी है क्योंकि शहरां विच उवें व्यापार वधदा है अपनी जिहड़ी खेती अपनी इकोनॉमिक्स है पंजाब दी खेती ते निर्भर अपनी बेस जान खेती है पर जिहड़े ऑर्डिनेंस लियांदे गए है उस खेती ते हमला कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल ने मैं जिवें जिक्र कीता साडे मिनिस्टर ने कैबिनेट जदों सेंटरी सरकार लैके आई सी उत्थे टाइम ही विरोध कीता ते मैं पार्लीमेंट भी स्पष्ट कीता कि जिहड़ी आ सरकार सेंटर दी सरकार जदों एक्ट लियाउण तों पहले मैं कहा कि श्रोमणी अकाली दल उस सरकार दा हिस्सा पर सानू नहीं पुछया गया श्रोमणी अकाली दल क्योंकि पंजाब पूरे देश दी खेती दा सेंटर है दिल है घट तों घट श्रोमणी अकाली दल नूं पुछना चाहिदा सी क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक एक वर्कर एक एक लीडर खेती बारे सारा कुछ जानते हैं की कमियां की खुशियां की हो सकता है ऐसी पार्टी जिन्हें सारा जीवन ही खेती खेत किसानों में लाया उस पार्टी भी पूछा गया। पिछले 2 महीने तो साड़ी कोशिश ही कि सेंटर की सरकार जो भावना पंजाब के किसान दियाँ वो पंजाब के किसान दियाँ भावना वो भावना विच बिल दे विच लियाउण पर अफसोस ना कहना पैंदा कि उन्होंने धक्के नाल पार्लीमेंट लिया धक्के नाल पास करा दिता राज्यसभा जो होया तुसी तुहानू जानदे हो असी उसे टाइम श्रोमणी अकाली दल भावें सरकार का हिस्सा सी साडी मैंबर पार्लीमेंट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने उस टाइम इस्तीफा दिता तो असी उस सरकार तो बाहर आए उस टाइम मैं कहा सी कि नैक्सट फैसला असी अपने वर्करां कोले जाके वर्करां नूं पुछ के किसान अपने अपने जिहड़े सारे पंजाब दे लोकां नूं पुछ के फिर असी अगला फैसला साडी कोर कमेटी करूगी। तो पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहिबान नाल मीटिंग की साडी लीडरशिप नाल गल की अज
श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जिहड़ी सरकार सेंटर की सरकार जिहड़ी NDA की सरकार जिसने आ जिहड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जिहड़े अपने पंजाब विरोधी है सही बने ते देश के किसानों के विरोधी है असी उस पार्टी के उस NDA का हिस्सा नहीं हो सकते। दूजी गल जिहड़ी वड्डी गल असी पार्लीमेंट च भी मैं कही ते बेनती कीती कि जम्मू कश्मीर शक्ति जिंदल की रिपोर्ट जिथे जम्मू कश्मीर पंजाबी ब्लॉक बोलते हैं तो मेरी तायद पार्लीमेंट में फरूक अब्दुल्ला जी जो उतों के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी क्लीयरली कहा कि मैं भी पंजाबी बोलता तो पंजाबी मानता होनी चाहिए है। देखो सेंटर की सरकार ने अंग्रेजी मानता देती जिहड़ी अपनी देश की भाषा नहीं पर पंजाबी जो बोलते सी लोग जो भावना सी जम्मू कश्मीर के लोगों की पंजाबी साड़ी स्टेट सबजैक्ट होए जिहड़ी जो स्टेट दोनों जम्मू कश्मीर एक स्टेट सी सूबा सी उदों पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज सी पर सेंटर की सरकार ने वह भी गल ना मनी तो इस करके साड़ी सारा कुछ देखते हुए जो फैसले लिते गए हैं श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनमसली फैसला किया है कि श्रोमणी अकाली दल ना NDA का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।